के ऊपर। आई होप आप पेन और पेपर लेके अपने मार्क्स को जरूर कैलकुलेट कर रहे होंगे, बिकॉज वो बहुत जरूरी है। चलिए फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर दो स्टेटमेंट दिए और पूछा इसमें से कौन सी करेक्ट है। देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, तो हमारे पास क्या 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है? हो सकता है। दे आर मेंशन इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्ट 4A के अंदर ये मेंशन करी गई है, ये भी हो सकता है। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो यस, देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन कौन सी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी आपको मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगा। दे आर मेंशन इन द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा, हमने अभी पढ़ा था पार्ट 4 किससे रिलेटेड था, डीपीएसपी से, राइट। इसी के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में हमने अटैच कर दी थी, राइट। तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। इनिशियली जो थी ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटीज में 10 ड्यूटीज हुआ करती थी, 11वीं जो ड्यूटी थी वो बाद में ऐड करी गई थी। ये जो है सारी की सारी 51 आर्टिकल सब आर्टिकल ए के अंदर मेंशन करी गई है। वन बाय वन देख लेते हैं। कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, और खासतौर पर इस तरीके की चीजें दे देते हैं, टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, देन टू रियलाइज द फॉलो ऑफ एसेंशियल आइडियल ऑफ सेक्युलरिज्म, और चौथा जो ऑप्शन होगा वो कुछ गलत सा दे देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन वायलेंस भी इसमें है, कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना भी आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, आपकी सोवेनिटी यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, दैट इज इंडिया की सोवेनिटी यूनिटी और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने देखा होगा बहुत जगह ऐसे वायलेंस या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो वहां पे पब्लिक प्रॉपर्टी को जला दिया जाता है। तो जब भी कोई पब्लिक प्रॉपर्टी, चाहे वो बसेस हो या कोई भी मॉन्यूमेंट हो, किसी भी तरीके से उसको अटैक करता है, तो एक तरीके से वो इंडिविजुअल फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन कर रहा है। तो सेफ गार्ड ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी भी आपका एक कर्तव्य है यहां पर, और अगर आप इसको वायलेट करते हैं, इट मीन्स आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को वायलेट कर रहे हैं। टू डिफेंड द कंट्री इवन एट द कॉस्ट ऑफ वंस लाइफ, अपनी लाइफ को भी दरकिनार करके अगर आप अपनी कंट्री को बचाते हैं, दैट इज ऑल्सो योर फंडामेंटल ड्यूटी। इसके अलावा जो लोग डोरी लेते हैं, इट मीन्स वो फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन कर रहे हैं। जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, सोशल इविल्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो काफी वास्ट यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपकी। अगर आपको पता हो, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा न्यूज चैनल के अंदर भी, अदरवाइज भी, दे ऑलवेज टॉक अबाउट ये हमारा राइट है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, गवर्नमेंट हमें हमारा फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज नहीं करने दे रही है। हमें उनसे ये भी पूछना चाहिए कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो काफी सारी है, तो क्या आप उनको कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स तो पता होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें दी गई हैं, जैसे कि डाउरी जैसी चीज भी दी गई है, गैम्बलिंग जैसी चीज भी दी गई है। तो बहुत से लोग अब देखेंगे कि इवन दो दे आस्क फॉर देयर फंडामेंटल राइट्स, वो ये तो चाहते हैं कि लोग और साथ में गवर्नमेंट उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्पेक्ट करे, लेकिन वो जब फंडामेंटल ड्यूटी को प्रैक्टिस करने की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं पीछे होते दिखाई देते हैं। तो सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं, इवन एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, हमें अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जो ये दे रखी है, इनके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।